नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। फिल्म जगत में 1969 से 1971 के दशक में लगातार 15 हिट फिल्में देने वाले दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना का रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। 1966 में रिलीज हुई फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अभिनेता ने अपने फिल्मी करियर में 160 फीचर फिल्में और 17 लघु फिल्मों में काम किया है। आज इस महान अभिनेता का जन्मदिन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजेश खन्ना के फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। 3 बार अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर में हुआ था। हालांकि राजेश को उनके जैविक माता पिता के रिश्तेदार चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने पाल पोस कर बड़ा किया। उनके असली माता पिता का नाम लाला हरिनंद और चंद्रानी खन्ना था। हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेश ने थिएटर का रुख किया। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में अपने अभिनय से पुरस्कार जीते। राजेश की एक खास बात ये भी थी कि वो उन कम लोगों में से थे जो 1960 के दशक में अपनी नई MG स्पोर्ट्स कार से थिएटर पहुंचते थे। राजेश की 15 हिट फिल्मों में आराधना, इत्तेफाक, डोली, बंधन, दो रास्ते, द ट्रेन, सच्चा झूठा, सफर, कटी पतंग, आओ मिलो सजना, आनंद, मर्यादा, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, अंदाज, दुश्मन और अपना देश शामिल है। साल 1973 में अभिनेत्री डिंपल कबाड़िया से राजेश खन्ना ने शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल ने भी अपने फिल्मी करियर के दौरान कई सफल फिल्मों की और बाद में अभिनेता अक्षय कुमार से शादी कर ली। वहीं रिंकी को फिल्मों में उतनी सफलता हासिल नहीं हुई। जून 2012 में राजेश की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। 23 जून को उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिंदा दिली की पहचान रहे अभिनेता राजेश ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। राजेश की तबीयत बिगड़ने के कारण 14 जुलाई को उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 16 जुलाई को घर लाया गया। फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों को भावुक कर उनके दिलों में छाप छोड़ने वाले इस अभिनेता ने 18 जुलाई 2012 को अपने घर आशीर्वाद में अंतिम सांस ली।